ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दाल फ्राई और जीरा राइस की रेसिपी। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ हमें कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। ये मैं एक प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ, इसके अंदर डालूँगा मैं ये तुअर की दाल है जिसको मैंने भिगा के रखा हुआ था। अब इस पैन के अंदर हम लोग डालेंगे तुअर की दाल जिसको मैंने 2 से 2.5 घंटे के लिए मैंने भिगा के रखा हुआ था, इसको भिगा के धो के रेडी रखा हुआ था। तुअर दाल को भिगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसके अंदर उसको फिर नहीं तो चढ़ते टाइम लगता है। तुअर की दाल डालने के बाद ये 2 बड़े चम्मच के बराबर अरहर की दाल है जो मैं ये डाल रहा हूँ। ये 2 बड़े चम्मच ही है और 2 बड़े चम्मच इसके अंदर जाएंगे मूंग की दाल। मैं ये कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ इसीलिए मैंने ये कम सब लिया हुआ है। दाल फ्राई तो आप होटल में जो खाते हो उससे भी बढ़िया बनती है, ये घर में ही हमारा। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, ऐसा करने से पहले जो ये भुनने की वजह से है इसके अंदर फ्लेवर थोड़े एनहांस हो जाते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए चलाता हूँ और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम लोग पानी। पानी आपको इसके अंदर एटलीस्ट 3 से 4 कप तो डालना ही है। 4 कप पानी डालने के बाद अब इसके अंदर डालने की बारी आएगी नमक और हल्दी की। 1/4 टीस्पून डालेंगे और नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। मैं इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर डालूंगा और इसको हाई फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही थोड़ी पानी में से भाप निकलना चालू हो जाए, जब प्रेशर कुक करना है इसको चालू कर देंगे हम। 2 से 3 सीटी में दाल ऑलमोस्ट हो ही जाती है 99%। लेकिन अगर आप कुकर खोलते हैं और अगर लगता है कि नहीं दाल पूरी प्रॉपर नहीं चढ़ी है तो उसको 1-2 सीटी और मरवा लीजिएगा, वैसे 3 सीटी में तो हो ही जाएगा। हमारी दाल हो रही है रेडी, तब तक ज़ीरा राइस के लिए राइस भी बॉईल करने हम लोग रख देते हैं। इसके अंदर आपको 1 तेज़ का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची जिसको हाथों से प्रेस कर देना है या कुंडी में मार के इसको छूटा कर देना है, और 2-3 लौंग। इतनी चीज़ डाल के पानी के अंदर गरम कर लीजिए ताकि उसके फ्लेवर इस पानी में आ जाए। जैसे ही पानी गरम हो जाए इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जरा जैसा, और इसके अलावा नमक। नमक आप इसके अंदर जो सूप के अंदर हम लोग जितना नमक चाहिए हमें उस हिसाब से डालना होता है, ये सिर्फ आपको एक क्वांटिटी में समझा रहा हूँ। सॉल्टेड वाटर होगा तो ही राइस के अंदर बराबर से नमक टेस्ट में आएगा, क्योंकि हमें अभी इसको पसाना भी है, इसको भी निकाल के भी हम लोग कुक करेंगे। अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे राइस, पहले से सोख करके धो के रखे हुए थे, और राइस हमारे अंदर जाएंगे। और राइस को हमें ओवर कुक नहीं करना है इसीलिए उसका पूरा ध्यान रखना है। अब हम करते हैं हमारी दाल फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर हम लोग डालेंगे ऑयल। ऑयल की जगह पे आप घी भी डाल सकते हो, घी बटर आप यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा ऑयल लूँगा और साथ में थोड़ा घी, दोनों मिक्स यूज़ करूँगा। घी मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, घी वाली दाल बहुत ही अच्छी होती है इसीलिए। अब दाल और तेल और घी तो हमने यूज़ कर लिया, अब इसके बाद हम लोग डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो 1 चम्मच के बराबर हमें डालना है, तो ये 1 चम्मच ज़ीरा चलाइए, इसको थोड़ा भून लेना है।
जीरे का कलर हमें चेंज नहीं करना है, हमें इसको चलाना नहीं है, इसको सिर्फ थोड़ा सा भूनना है। जैसे ही इसके अंदर बबल्स आने लगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा लहसुन। लहसुन को मैंने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, ये 1 चम्मच जाएगा तकरीबन। इसको भी हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। यही सब चीज़ों से हमारी दाल का फ्लेवर बढ़ता है, इसीलिए हमें इसको और भी अच्छे से कुक करना है। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे अदरक, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, ये करीबन 1 चम्मच के बराबर। ये भी डाल दिया, अच्छे से भूनिए। अब इसके अंदर जाएगी मिर्ची। मिर्ची में मैंने हरी मिर्च को एक एक ही हरी मिर्च को मैंने काट के रखा हुआ है जो मैं डाल रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। आपका इसके अंदर हम लोग लाल मिर्च का पाउडर भी थोड़ा डालने वाले हैं। इतने अगर आप मिर्ची नहीं खाते हो तो, तीखा नहीं खाते हो तो आप ये मिर्ची को स्किप कर सकते हो यहाँ पर। अब ये हमारा बेसिक तरह का तो रेडी है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे हमारे अनियंस। जो अनियंस जो है वो मैंने एक छोटा अनियन काट के रखा हुआ था स्लाइस करके, इसको हम लोग कुक करेंगे। इसको हमें पूरा नरम नहीं कर देना है, सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक ही हमें इसको भूनना है। और ये मैंने पूरा का पूरा मीडियम हीट पे ही मैं कर रहा हूँ कुकिंग, बहुत हाई हीट नहीं रखना है, नहीं तो हमारा लहसुन और अदरक जल जाएगा। और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब हीट कम करने जैसा है तो कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हो प्याज भी अब तक कलर चेंज करने लग गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रखा हुआ है, वो भी हम लोग अंदर डाल देते हैं। ये एक टमाटर है मीडियम साइज का मैंने लेके रखा हुआ था। टमाटर से भी हमारा जो दाल जो है उसके अंदर चंक्स टमाटर के जो आते हैं वो उससे बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। टमाटर को भी हमें पूरा नहीं गला देना है, लेकिन उसको कम्प्लीटली सॉफ्ट तो कर ही देना है। पूरा गलाने से वो क्या होगा, वो पूरा अंदर मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि दाल के अंदर टमाटर है। हमें इसको सॉफ्ट करना है सिर्फ, हमें इसको पूरा गला के मैश नहीं कर देना है। यहाँ पर मुझे हीट की ज़रूरत लगी तो मैं हीट बढ़ा रहा हूँ। अच्छे से प्याज और टमाटर को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल हमारी जो हमने पहले से प्री बॉईल करके रखी हुई है। कुछ लोग बॉईल की हुई दाल को भी पहले मिक्सी में पीस लेते हैं, उसके बाद ही उसको अंदर डालते हैं। मुझे उतनी स्मूथ दाल नहीं चाहिए थी, मुझे नॉर्मल चाहिए थी, इसीलिए मैंने रेगुलर जो ऐसे ही कुकर में से निकाल के इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये जा रही है हमारी दाल। दाल हम वापस से मैं एक बार बता दूं कि दाल जो मैंने प्रेशर कुक की है, इस दाल के अंदर मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। और नमक जो हम लोग डालते हैं बॉईल करते वक्त वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और मैंने इसी को पानी के साथ ही यूज़ कर लिया है। तो आप चाहो तो पहले से ही कुकर के अंदर जो दाल आप डालते हो कुक करने, उसके अंदर नमक पहले से कम रख सकते हो। मैंने इतना रखा था कि मैं बाद में मुझे नमक की ज़रूरत ना पड़े, तो उस हिसाब से आप भी कर सकते हो। आपको जिस हिसाब से आपको करना है आप उस हिसाब से दाल बना सकते हो। ये हमारी बेसिकली ये रेगुलर दाल के हिसाब से तो होने ऑलमोस्ट हो ही गई है। अब हमें डालना है कुछ मसाले और लास्ट में तैयार करना है तड़का। मसाले, मसालों के अंदर इसमें जाएगा पहले तो धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच के बराबर धनिया पाउडर मैंने डाल दिया।
बाद में जाएगा ज़ीरा पाउडर, ये भी एक चम्मच के बराबर। और इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जाता है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल दिया। अब काली मिर्च का पाउडर जो डालना है ये थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो ओवर पावर कर देगा। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, अब इसको करेंगे हम लोग मिक्स। अच्छे से मिक्स करना है और दाल को चलाते रहना है ताकि वो नीचे से जल ना जाए, क्योंकि दाल जो होती है वो नीचे की तरफ लगने लगती है। आपको ऊपर से लगे ये बॉईल हो रही है लेकिन नीचे से वो लग जाती है, तो उसका पूरा ध्यान रखना है कि हमारी दाल ख़राब ना हो जाए, नीचे से जल ना जाए। हल्दी पाउडर और नमक तो हमने पहले से ही डाला हुआ है, कहते हैं वो तो डालने का आएगा नहीं, नहीं तो अगर बॉईल करते हो अगर आपने हल्दी नहीं डाली हो तो इस स्टेज पे भी आप डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे, करीबन 5 से 10 मिनट। जब तक हमारी दाल हो रही है बॉईल तब तक हम लोग राइस जो हमने प्री कुक करके रखा हुआ है 90% कह रहा हूँ वो अब हम लोग बॉईल कर लेंगे, अरे सॉरी जीरा राइस बना लेंगे, उसको जीरा राइस में कन्वर्ट कर लेंगे। जीरा राइस में कन्वर्ट करने से पहले आपको जो भी हमने जो खड़े मसाले डाले थे, लौंग था, तर्ज थी और इलायची थी, तेज पत्ता था, वो सारे मसाले जितने आपको दिखे उतने आप निकाल लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जीरा राइस में आपको कभी भी कोई और मसाले देखने के लिए नहीं आते लेकिन उसका फ्लेवर होता है वहाँ पर। तो हमें सारे खड़े मसाले निकाल लेने हैं। और ये मैंने एक बर्तन ले लिया जिसके अंदर मैं फ्राई करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं पहले तो एक जनरस अमाउंट ऑयल का डालूँगा क्योंकि हमारे सारे राइस उसके अंदर अच्छे से कोट होने चाहिए। ऑयल डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो आपको जितना ज़ीरे वाले राइस पसंद हो उस हिसाब से, मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगा, करीबन 1.5 चम्मच के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। 1.5 बड़े चम्मच, हाँ छोटे नहीं, बड़े वाले चम्मच वाले यूज़ किया हुआ। इसको थोड़ा भून लेंगे, कलर नहीं चेंज करना है, वो ध्यान रखना है, बहुत ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है। अब इस पर जाएगा हमारा प्री कुक राइस, इसका इसकी आंच को हमें धीरा कर देना है, स्लो आंच पे डालना है। और डाल दीजिए हमारा पूरे का पूरे राइस, ये हमने जितने भी बॉईल किए थे वो सारे के सारे राइस आ गए। राइस जो मैंने यूज़ किया लंबे वाले, और मिक्स करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे राइस टूट जाते हैं, तो उसके लिए पहले एक सरसी या किसी की मदद से पतीले को अच्छे से पकड़ लो और फिर इसको सिर्फ फोल्ड करना है। राइस को हमें सिर्फ फोल्ड करना है, हमें उसको बहुत ज़्यादा चमचा नहीं मारना है, सिर्फ फोल्ड करते जाना है। राइस के अंदर ऑयल भी चला जाएगा और ज़ीरा भी अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। जो बड़ी गुटली आपको दिखती है बीच बीच में ऐसा अगर कोई गर्म मसाला आ जाता है तो उसको निकाल दीजिए, वो हमें रखना नहीं है, अंदर निकाल देना है, जितना दिखता जाता है उस हिसाब से। आप देखिए हमारे राइस कितने बढ़िया लग रहा है। इसको अच्छे से फ्राई करना है लो हीट पे और अच्छे से मिक्स भी कर लेना है, सिर्फ फोल्ड करते जाना है, हमारे राइस टूटेंगे नहीं। अगर हम लोग बीच बीच में चम्मच मारते रहेंगे ये टूट जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, थोड़ा सा ही मिक्स करके ये रेडी है हमारे जीरा राइस। आप भी देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है, हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे धनिया और पुदीने के पत्ते, आपके अपने हिसाब से आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ये ऑलमोस्ट हमारी दाल रेडी है, अब हमें सिर्फ इसके अंदर तड़का मारना है और हमारी दाल रेडी है। चलिए आइए करते हैं हम इसे सर्व, करते हैं तड़का रेडी। तड़का बनाना बहुत ही इजी है लेकिन ये इस डिश की जान है, इसलिए पूरा ध्यान रखें कि तड़का जल ना जाए। लो हीट पे ही आपको
चूल्हा चालू करना है एकदम लो हीट पे। अब इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे 2 चम्मच के बराबर मैंने घी डाला है और 1 चम्मच के बराबर हम लोग डालेंगे इसमें ज़ीरा। आप बोलोगे कासिम बहुत ज़ीरा डाल रहे हो, लेकिन इतना लगेगा नहीं जब आप खाओगे तब। अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, तो हमने डाल दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर लहसुन। आप देख रहे हो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है जीरे को भी फ्राई होने का, क्योंकि हमें उसको जलाना नहीं है, क्योंकि जब हम लो क्वांटिटी में सब कुछ करते हैं तो उसके अंदर जल्दी जलने का चांसेस होता है। अब इसके अंदर जाएगा कुछ अदरक के टुकड़े छोटा काटे हुए, मुझे थोड़ा घी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और भी घी डाल रहा हूँ, 1 और चम्मच। ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए घी के अंदर। ये डाला, इसके अलावा अब जाएगा इसके अंदर कड़ी पत्ता। ये एक कड़ी पत्ता है जिसके पत्ते मैं डाल रहा हूँ, एक डंडी जो आती है उसके ऊपर सर। आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, अरोमा बहुत ही अच्छा निकल के आता है आपका। इनको थोड़ा सा भून लीजिए। अब इसके अंदर जाएगी हमारी सूखी हुई लाल मिर्च, जिसकी डंडी मैंने निकाल दी है। आप चाहो तो एक, आप चाहो तो दो, मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, और इसको भी मिला लेंगे। और इसके अंदर अब जाएगा हमारा लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर हमें एकदम एंड में ही डालना है, क्योंकि वो तुरंत जल जाएगा, वो एकदम सूखा मसाला होता है। तो वो हमारा जब तक लहसुन अदरक जो कच्चापन है उसका नहीं चला जाता तब तक उसके अंदर नहीं डालना है। जैसे ही वो चला जाता है कच्चापन, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डाल के यूज़ कर सकते। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, इसके अंदर डालते हैं हींग। आप बोलोगे लहसुन डाला हुआ है फिर हींग की क्या ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर हींग का तड़का बहुत ही ज़रूरी होता है, तो ही उसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं 1 पिंच के बराबर इसके अंदर डाल रहा हूँ हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही उठ के आता है। हींग ज़रूर से डालिए, आप जब भी आप दाल बनाते हो, दाल फ्राई जब भी बनाते हो, या दाल तड़का जो भी आप बनाते हो, तो आपको उसके अंदर हींग ज़रूर डालना है, उससे बहुत ही अच्छी लगती है दाल। आप इसका अरोमा अभी अगर आप यहाँ पे होते तो आपको अभी मुंह में पानी आ जाता, इतना अच्छा टेस्टी स्मेल आ रहा है इसके अंदर से। मेरा लहसुन अदरक हो चुका है, अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो मैं थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तीखी नहीं चाहिए दाल। आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, ये सिर्फ कलर के लिए ही है, ज़्यादा हमें दाल को तीखा नहीं करना है। ये हो गया हमारा तड़का रेडी, आइए करते हैं इसे सर्व। चलिए तो अब हम हमारी दाल में तड़का लगाएं। ये हमारा तड़का रेडी है, इसको हम लोग दाल के ऊपर डाल देते हैं। ये हमारी दाल फ्राई रेडी है। आप भी देख सकते हो कितना प्यारा कलर है हमारी दाल का, और इसके साथ हम लोग ज़ीरा राइस सर्व करेंगे। देख सकते हो हमारा दाल फ्राई ज़ीरा राइस रेडी है, कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और इन फ्यूचर भी ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लाता रहूँ इसके लिए मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।